तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोस्तों, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सीधा सा मतलब होता है कथन व निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सीधा सा मतलब होता है कथन व निष्कर्ष। पहला क्वेश्चन, रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन हमेशा सफल होता है। ध्यान से देखिएगा, चीजें समझा रहा हूं मैं अच्छे से। रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन हमेशा सफल होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, मतलब दिया हुआ है कि नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन ऑलवेज सक्सेसफुल होता है और कोई भी मूर्ख प्राणी जो है हमेशा सफल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, रमन हमेशा सफल होता है और कोई भी मूर्ख हमेशा सफल नहीं होता। इसका मतलब क्या है? रमन मूर्ख नहीं है, क्योंकि रमन तो सफल हो रहा है ना। जो सफल नहीं होगा वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख प्राणी हमेशा सफल नहीं होता। इसका मतलब वो असफल रहेगा। इसका मतलब क्या? सेकंड फॉलो तो है ही। अब रमन याद दे रखा है मूर्ख है, तो ये बात गलत है। आंसर बनेगा यहां पर कंक्लूजन में क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। सोनी शर्मा, अगर साउंड नहीं आ रहा तो आप अपने जो हेडफोन्स वगैरह हैं जो आपने लगा रखे होंगे उनको चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, सिस्टम जो कि जो वॉल्यूम है उसको आप लोग चेक कर लो अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से। देखिए इधर, चमगादड़ अंडे, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए वो पक्षी नहीं है, तो इसका मतलब जो अंडे देते हैं वो पक्षी हैं। इसका मतलब पक्षी अंडे देते हैं। उसने बोला है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए वो पक्षी नहीं है। इसका मतलब जो अंडे देगा तो वो पक्षी हो जाता। इसका मतलब सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो राइट, पक्षी जितने भी हैं वो अंडे देते हैं। क्या केवल पक्षी ही अंडे देते हैं क्या? क्या केवल पक्षी अंडे देते हैं क्या? मछली भी अंडे देती है भाई, पर वो पक्षी तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात तो रॉन्ग है। सांप भी अंडे देता है, क्यों भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फॉलो। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। सभी पक्षी अंडे देते हैं, सभी पक्षी अंडे देते हैं, ओनली बर्ड ले एग्स, केवल पक्षी ही अंडे देते हैं, ये गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सकर्शंस, ऑल स्टूडेंट्स लाइक एक्सकर्शंस, यानी सभी विद्यार्थियों को घूमना पसंद है। अगर सभी विद्यार्थियों को घूमना पसंद है, पर यहाँ पे बोला है कि कुछ विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण भी पसंद है। देखो, सारे विद्यार्थी है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको घूमना पसंद है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पसंद है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पसंद है। तो यहां पर पूछा गया है कि जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण पसंद है, जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण पसंद है, यानी इनकी बात कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण पसंद है, जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण पसंद है उन्हें घूमना भी पसंद है, जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला परीक्षण पसंद है उनको घूमना भी पसंद है, तो बिल्कुल ये बात तो सच ही है। अरे भाई,
घूमना तो सारे स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इसका मतलब जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशाला लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पसंद है उनको घूमना पसंद है। अब वो बोला है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रयोगशाला परीक्षण पसंद नहीं है लेकिन उन्हें घूमना पसंद है, तो बिल्कुल सारे स्टूडेंट्स को घूमना पसंद है चाहे उनको प्रयोगशाला परीक्षण पसंद हो या ना हो, ठीक है। तो ये आंसर जो बनेगा सेकंड वाला भी फॉलो होगा, तो आंसर आ गया बहुत फॉलो। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? थम्सअप कर दे एक बार जबरदस्त तरीके से। यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, पूरे जोश और जुनून के साथ में एक एक चीज को समझते हुए चलना, बड़ा मजा आने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आपको लॉजिकल रीजनिंग को टाइम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तभी आपको ये चीज समझ में आ सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं तो कभी कभार इन चीजों को पढ़ लूं और मैं पारंगत हो जाऊं, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। आपको डेली बेसिस पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये तो आप फिट कर लीजिए अपने दिमाग में चीजों को। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा इरेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर फेलियर। अब आप तो अपने आप को समझाओ बस, आपको किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ किसी और को बोलने की आवश्यकता है, आप तो इस क्वेश्चन को अपने आप को रखकर समझाओ कि इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी का मतलब हुआ अनियमितता परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने का कारण है। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि अगर हम इरेगुलर रहेंगे किसी भी चीज के अंदर तो हमें वो चीज जो है उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, उसमें असफलता ही मिलेगी। कुछ नियमित छात्र होते हैं वो भी असफल हो जाते हैं, फिर वो क्यों हो जाते हैं भाई? भाई तुम बोल रहे हो एक तरफ, तो अगर आप अनियमित हो, अगर आप रेगुलर नहीं जा रहे हो तो वो अनुत्तीर्ण होने का एक कारण होता है, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर रहते हुए भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना, सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित होते हैं क्या? जितने भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं क्या वो सारे नियमित होते हैं? नहीं, कुछ नियमित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर। जितने भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी थे वो सारे रेगुलर थे, ये हम नहीं कह सकते। अगला, सभी सफल विद्यार्थी नियमित नहीं होते। सभी सफल विद्यार्थी नियमित नहीं, कुछ नियमित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, कुछ नियमित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, तो सभी सफल विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? तो ये भी हो गया रॉन्ग, तो आंसर क्या बनेगा? बहुत रॉन्ग। चलो देखना इधर, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, ये आपके रेलवे के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखिए एसएससी में भी भर भर के क्वेश्चन आने लग गया है। अभी आप सीएचएसएल का पेपर देख के आए हो तो उसमें दो क्वेश्चन आए हैं, इससे पहले हम सीजीएल के पेपर में देख चुके हैं क्वेश्चंस को। सीपीओ में आप सभी लोग जानते हो कि तीन क्वेश्चन अलग से आए थे, ठीक है, सीपीओ के पेपर के अंदर। इसके अलावा लास्ट ईयर जीडी के पेपर में आए थे, एमटीएस में चार क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हर एग्जाम के अंदर दोस्तों अब आप लोग देख रहे हैं कि ग्रुप डी में तो आता ही है भाई, ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ले लो आप, राजस्थान पुलिस ले लो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स ले लो, उनमें भी एग्जाम में आता है। तो सभी में धीरे धीरे दोस्तों अब बहुत ही मेजर पोर्शन कवर होने लग गया। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, सभी राजनीतिज्ञ दोषी हैं, सभी
इसको पढ़ो, सभी दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी दोषी राजनीतिज्ञों को, दोषी राजनीतिज्ञ जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया हमने। सभी दोषी राजनीतिज्ञों को, दोषी राजनीतिज्ञ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और किशन और चंदर को भी गिरफ्तार कर लिया जो उनके बीच में ही थे, तो दोषी तो वो भी थे। इसका मतलब किशन और चंदर को भी गिरफ्तार किया गया तो दोषी तो वो भी हैं, सही है नहीं? दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार कर लिया, किशन और चंदर को भी गिरफ्तार कर लिया भाई, तो सभी राजनीतिज्ञ दोषी थे? ना ना ना, दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पॉलिटिशियन ही दोषी हैं। दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया गया है पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो दोषी हैं, ऐसा थोड़ी है। आराम से और सोच समझ के कर लो, फिर बोल रहा हूं, फिर कहोगे कि लास्ट में सर ये क्या हो गया सर, इसलिए कह रहा हूं आराम से सोच लो। पहला वाले बात से सहमत हो आप भाई? सभी दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया है, ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड, बट डेट मीन्स ये थोड़ी है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी इज नॉट राइट। अब भैया सेकंड वाले पे चलते हैं। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं? नहीं, यहां पर किशन और चंदर को भी तो गिरफ्तार किया है पर हमें क्या पता चंदन और गिरफ्तार राजनीतिज्ञ हैं या नहीं है। भैया दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया गया है, चंदर और जो किशन है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, पर यहां से ये थोड़ी क्लियर हो रहा है कि चंदर और ये जो है किशन जो है वो क्या है, राजनीतिज्ञ है, ये थोड़ी कह सकते हैं हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि चंदर और किशन जो है वो राजनीतिज्ञ है। थोड़ी आंखें खोल के देखो, अभी तक बहुत सारे लोगों का सेकंड सेकंड आंसर आ रहा था, बोल रहे थे अभी तक तो तुम लोग। अब भैया दो मैंने गलत कर दिए तो अब तीन और चार आंसर आ रहा है इनका। अब देखना इधर, एक तो बोला गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, गलत, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं ये नहीं कह सकते। क्या किशन और चंदर राजनीतिज्ञ नहीं थे? हो भी सकते हैं, मना थोड़ी किया हुआ है। किशन और चंदर राजनीतिज्ञ हो भी सकते हैं, किशन और चंदर राजनीतिज्ञ नहीं भी हो सकते, इनके बारे में नहीं कह सकते हम क्योंकि इसके बारे में कोई डाटा नहीं बोला है, तो ये बात भी रॉन्ग। किशन और चंदर दोषी थे? हाँ दोषी तो वो थे तभी तो गिरफ्तार किया है भाई, दोषी तो वो थे तभी उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो आंसर बनेगा फोर्थ फॉलो। और मेरी बात सुनना इधर, जिनका स्टार्टिंग से ही फोर्थ फॉलो आ रहा था तो उन बच्चों को भी पता तो चल ही गया होगा कि भाई कितने बच्चों का पहले क्या आंसर आ रहा था, सही है कि नहीं? ठीक है, ये है रीजनिंग का असली मसाला कि हमें दिखा कुछ, हमें समझ कुछ आया, लेकिन एग्जैक्ट जब हमें समझ आया तब आंसर कुछ और निकला, सही है कि नहीं? तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट हमको होना है। हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिसके माध्यम से हम चीजों को ढंग से सीख पाए, अच्छे से समझ पाए। ये स्पेशल क्लास मैंने रखी है पर वास्तव में ये कंटेंट जो एक एक क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ये मेरी प्लस क्लास का कंटेंट है, और इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आप लोग हर एक चीज को सीख सकते हो, कहने का मतलब ये, सीधी सी बात, ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से ढंग से समझना चालू कर दो। सुबह 8 बजे अपनी ये क्लास होती है, ठीक है, ये एक रिविजन क्लास मैंने रखी है। चलो कुछ जो बच्चे अपने स्पेशल क्लास में भी आते हैं वो भी पढ़ लेंगे इसी बहाने, ठीक है। बाकी ये एक ही क्लास होनी है तो इसलिए आप इसको ढंग से और अच्छे से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा चीजें आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। सर रीजनिंग एक ही जगह पर कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ा रहे हैं ना प्लस प्लेच में, प्लस क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, सुबह 8 बजे कंप्लीट चल रही है सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर जो अभी क्लास चल रही है इसमें कितने बच्चे अपने प्लस के मौजूद हैं?
प्लस के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे मौजूद हैं, यस करके बताइएगा, कितने बच्चे अपने प्लस क्लास से मौजूद हैं। जिन भी बच्चों के आगे सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ रहा है वो सब प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, लगभग लगभग 50% बच्चे। अब यहां पर देखिएगा, अब चीजों को समझिएगा। मेनी बिजनेस ऑफिसेस आर लोकेटेड इन बिल्डिंग्स हैविंग 2 to 8 फ्लोर्स। अधिकतर व्यावसायिक कार्यालयों में 2 से 8 तल वाली इमारत होती है, और यदि इमारत में 3 से अधिक तल होते हैं तो उसमें लिफ्ट होती है। देखो क्या बोला है उसमें, ये ले लो ग्राउंड फ्लोर, ये बिल्डिंग ले लो, ऑफिसेस का एक रूल है, एक मंजिल वाली इमारत, ये मान लो एक मंजिल वाली इमारत है, इससे आगे ये ले लो 2 मंजिल वाली इमारत है, और इससे आगे 3 मंजिल वाली इमारत है, एक मंजिल, ये 2 मंजिल और ये 3 मंजिल वाली इमारत, ये 1 मंजिल वाली इमारत, ये 2 मंजिल वाली इमारत, ये 3 मंजिल वाली इमारत, और इससे ऊपर भी कितनी भी मंजिल वाली इमारत हो सकती है। ठीक है, सात आठ कुछ भी ले लो, मान लो 8 मंजिल की इमारत। ठीक है भाई, चलिए अब चीजों को अच्छे से समझिएगा। चलो इधर देखना हो क्या बोल रहे हो। सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, मैं चाहता हूं आप लोग। अधिकतर व्यावसायिक कार्यालयों में 2 से अधिक तल वाली इमारत में होते हैं। ध्यान से समझना, पहले चीजों को अच्छे से समझना, उसके बाद ही रिप्लाई करना। कोई जल्दी आपको जल्दीबाजी है क्या, ये बताओ, आपको किसी चीज की जल्दी है क्या? मैं आपको पूरा सिखाऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से देखना। अधिकतर व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 तल वाली इमारतों में होते हैं, यानी इस 1 मंजिल वाली इमारत में व्यावसायिक ऑफिस नहीं है। अधिकतर व्यवसाय ऑफिस 2 से 8 तल वाली इमारत में ही होते हैं। जो बिजनेस ऑफिसेस होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं, वो 2 वाली पर 3 वाली पर या उससे ज्यादा वाली इमारत पर ही होते हैं। यदि इमारत में 3 से अधिक तल होते हैं, जैसे 3 से अधिक तल यानी कि ये वाला पोर्शन ले लिया, अगर इमारत में 3 से अधिक तल हैं, 3 से ऊपर अगर तल हैं यानी यहां, तो इनमें तो 100% क्या होती है, तो उनमें लिफ्ट होती ही है, उनमें 100% लिफ्ट होती है। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्या सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, क्या सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, क्या सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है? हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि सभी तलों पर, अगर मान लो 3 मंजिल की ही इमारत है और उसमें लिफ्ट ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है? कैसे कह सकते हैं भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि सभी तलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है? हो सकता है कि लिफ्ट 3 से ऊपर चालू हो रही हो 8 मंजिल वाली इमारत में, या ये भी हो सकता है कि पूरा नीचे तक लिफ्ट आ रही हो, ये हम कैसे कह सकते हैं? केवल 3 से अधिक तल के लिए लिफ्ट होती है भाई, ये भी जरूरी थोड़ी है, ये थोड़ी जरूरी है कि ओनली 3 से अधिक तल वालों पर ही लिफ्ट होती है। उसने बोला है यदि इमारत में 3 से अधिक तल होते हैं तो उनमें लिफ्ट होती है, पर ये थोड़ी मना किया गया है कि जिसमें एक फ्लोर होगा
या दो फ्लोर होगा या तीन फ्लोर होगा, उसमें लिफ्ट नहीं होगी। क्यों भैया, लिफ्ट तो इनमें भी हो सकती है, हमें क्या पता, हमें क्या पता, लिफ्ट तो इसमें भी हो सकती है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें लिफ्ट नहीं हो सकती। अब आगे पढ़ो, सातवें तल पर लिफ्ट है, यहां तो हम 100% श्योर हैं, हम 100% श्योर हैं कि भैया सातवां तल अगर है तो उसमें लिफ्ट है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है तीन से अधिक तल होते हैं तो उसमें लिफ्ट होती है, तो सातवां तल है तो इसका मतलब लिफ्ट तो होगी वो, ठीक है। अगला है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं है, क्या बोला जा रहा है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं है, बताइए। तो हम नहीं कह सकते दूसरे तल पर लिफ्ट है या नहीं है, सातवें तल का कंफर्म है, दूसरे तल पर लिफ्ट हो भी सकती है, दूसरे तल पर लिफ्ट नहीं भी हो सकती है, इनका हम नहीं कह सकते। अब यहां पे अंकित मिश्रा लिख रहा है कि सर इंडिविजुअल में जैसे पढ़ाते हैं पूरा वैसा नहीं है पेड बैच में, मैंने पेड बैच लिया। तू ज्यादा समझदार है ना भाई, तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है इसलिए तेरे को नहीं मिल रहे हैं, बाकी सबको मिल जाते हैं, तेरे को ही नहीं मिलते हैं ना भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं फिर, ठीक है भाई। पूरा लॉजिकल रीजनिंग एक साथ मिल जाएगा, पूरा वर्बल रीजनिंग एक साथ मिल जाएगा, पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग एक साथ मिल जाएगा, इनका कुछ नहीं कर सकते भाई जीवन में ऐसे लोगों को। ये वही लोग होते हैं फिर कि जिस थाली में खाते हैं फिर वहीं छेद कर लेते हैं। क्लासे उठा के देखते हैं नहीं, मुंह उठा के कभी भी आ जाते होंगे और बोल रहे हैं कि कोर्स एक जगह नहीं मिलता। कोई भी बच्चा 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 बता देगा कि पूरा कोर्स एक साथ चलता है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग एक साथ, पूरा वर्बल एक साथ, पूरा नॉन वर्बल एक साथ। चलिए देखिएगा इधर, तो भाई क्या आएगा आंसर, सिक्स का आंसर आ जाएगा थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एडवर्टाइजमेंट है, इस बार एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, देखना बेटा आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट क्या है ध्यान से देखना, जून से पहले अपना फ्लैट बुक कीजिए और बिल्डरों से ब्याज रहित ऋण का लाभ उठाइए। मतलब जो भी मंथ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जून, तो ये डेडलाइन दे दी, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है। तो बोल रहा है कि जून से पहले फ्लैट बुक करो, आप जून से पहले फ्लैट बुक करेंगे तो आपको कोई भी क्या नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं ले देना पड़ेगा और आप आराम से लोन ले सकते हो, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आप लोन ले सकते हो। लेकिन जून के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि जून के बाद अगर आप फ्लैट बुक करते हैं, जून के बाद अगर आप फ्लैट बुक करते हैं तो आपको लोन, तो जब आप लोन लेंगे तब आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां बोल रहा है बाद में कोई फ्लैट नहीं बुक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, ये आप कैसे कह सकते हैं कि बाद में कोई फ्लैट बुक नहीं होगा। अरे भैया वो बोल रहे हैं कि पहले बुक करेंगे तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि बाद में बुक करेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये बोल रहा है कि बाद में कोई फ्लैट बुक नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं। दूसरा, 15 जून के बाद, यहां पे 15 जून बोला गया है ऊपर भी, 15 जून के बाद कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा। अरे भैया ऋण तो उपलब्ध होगा,
पर उस पे फिर ब्याज देना पड़ेगा, पर वो तो बोल रहा है कि 15 जून के बाद कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा, तो ये बात भी गलत, आंसर हो जाएगा बहुत बहुत रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए क्या आएगा आंसर। क्लासेस चालू हो गई है, आप दीपू 10 कोड लगाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, ये लो, उसको पता ही नहीं है एसएससी जीडी की कंप्लीट। भाई अगर आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डे है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का, आज लास्ट डे है, और अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का, 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। एसएससी जीडी के लिए बैच बोल रहा है, तो भाई 5 मई से बैच आ रहा है, पर ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, आपको बैच आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। 5 मई से एसएससी जीडी का बैच आ रहा है, जो कि सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए होगा। और सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट वाली बात ये है इसके अंदर दोस्तों, कि इसमें आपको जो है, मैं बताऊं आपको, जो ये बैच आ रहा है, इस बैच में लॉजिकल रीजनिंग के आगे वाला पोर्शन, फिर वर्बल रीजनिंग कराया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग अभी कराई जा रही है। चलिए देखिए, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के बाद, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के बाद, ध्यान से देखना, जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी एसएससी, अगर आप पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, और भाई सबकी तैयारी हो जाती है। देखिए आप पहले सिलेबस चेक किया करो, ठीक है ना? पता, अगर आप सिलेबस चेक करते नहीं हो, फिर चीजें पढ़ते जाते हो, फिर आपको यही पता नहीं लगता, फिर आप कभी भी किसी दिन मुंह उठा के बोल देती हो कि सर ये टॉपिक नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले आप सिलेबस भी चेक कर लें कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए देखिए, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के बाद सरकार वर्तमान तेल रणनीति पर चर्चा करेगी। एक सिंपल सी आपको बात कही गई है कि भाई तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आ गया है, अब सरकार डिसीजन लेगी कि वर्तमान स्थिति में तेल पर क्या चर्चा हो सकती। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने के बाद सरकार डीजल के मूल्य में वृद्धि करेगी, या तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आ गया है तो डीजल के मूल्य में वृद्धि नहीं करेगी। तो आइदर ओर का केस बन गया ना भाई, ये केस किसका बन गया, आइदर ओर का, या तो भैया वृद्धि करेगी या फिर वृद्धि नहीं करेगी, दोनों में से एक चीज ही तो होगी, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अब एक व्यक्ति कह रहा है फ्यूचर की बात हो रही है, अरे भैया मूर्ख प्राणी, वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है, फ्यूचर कहाँ आ गया इसमें। वर्तमान तेल रणनीति पर चर्चा करेगी, तो चर्चा के बाद क्या रिजल्ट ही तो निकलेगा उसका, कि या तो डीजल के मूल्य में वृद्धि होगी या फिर डीजल के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, दोनों में से एक ही तो चीज होगी। कहाँ ध्यान है भाई, नींद का असर है क्या, दोपहर का समय है, इसलिए सुबह सुबह तो बड़े एक्टिव रहते हो आप। चलिए कोई बात नहीं अंजलि, पूरा फोकस अब क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक है? वेयर कैन आई फाइंड इंग्लिश टीचिंग, यू कैन फाइंड दिस प्लेटफॉर्म इजीली।
देयर आर चांसेस ऑफ हाइक इन द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सून. दिस प्रपोजल विल ब्रिंग अबाउट अ शार्प इंक्रीज फॉर द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स एंड मार्जिनल इंक्रीजेस फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स. जल्द ही बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना है. इस प्रस्ताव से औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तीव्र वृद्धि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीमांत वृद्धि होगी. अच्छे से पढ़े चीजों को क्या बोल रहे हैं. जल्द ही बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना है. किसमें? जल्द ही बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना है और इस प्रस्ताव से औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तीव्र वृद्धि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीमांत वृद्धि होगी. अब ये बोल रहा है कि वर्तमान में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत दरों में विषमता है. ये आपको कैसे पता चलेगी? क्या इसके बारे में कोई डाटा दिया है क्या उसने? उसने बोला है कि ये वृद्धि जो होगी, जो उसने बोला है कि बिजली की दरों बढ़ने की चांसेस है. इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये थोड़ी ज्यादा वृद्धि होगी, और जो घर में काम करने वाले लोग हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए एक निश्चित सीमा में ही वृद्धि होगी. तो निष्कर्ष ये है कि वर्तमान में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत दरों में विषमता है. वर्तमान में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में विषमता है. क्या क्या प्रेजेंट में जो भी डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर्स हैं, तो उनके मध्य विद्युत दरों में विषमता है, है या नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसका डाटा कहाँ दिया हुआ है कि अभी प्रेजेंट में इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? वो तो बस एक बात कर रहा है कि मैं या बिजली बोर्ड जो है वो उनको तीव्र गति से बढ़ाएगा इंडस्ट्रियल लोगों के लिए तो, और घरेलू लोगों के लिए थोड़ी सी बढ़ाएगा, पर अभी उनकी नजर में या रियल में उनकी सेम प्राइस है या नहीं है, ये हमको कहाँ पता है भाई? रियल लाइफ में तो डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है. हम लोग जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली उनको थोड़ी सस्ती मिलती है और इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें थोड़ी महंगी बिजली आती है, क्योंकि वहां पे बिजली की खपत ज्यादा होती है. रियल लाइफ तो अलग चीज हो गई. पर यहाँ पर कथन से निष्कर्ष निकालोगे ना तो तुम्हारे पास डाटा तो दे ही नहीं रखा. तुम्हारे पास तो कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ना. जब तुम्हारे पास कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो हम क्यों पॉजिटिव सोचेंगे और हम क्यों नेगेटिव सोचेंगे? चीजों को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि भाई प्रेजेंट में बोल रहा है कि जो डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, उनके मध्य जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है वो सेम है. उनका टैरिफ जो है वो क्या है? अलग अलग है. अलग अलग है या सेम है, हमें इसके बारे में डाटा तो दिया ही नहीं है, हम तो सोचेंगे ही नहीं. नेक्स्ट, अगला. इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी देन डोमेस्टिक यूजर्स. भाई इसमें तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो हम जानते हैं. वरना उसकी इंडस्ट्री का मतलब ही क्या हुआ फिर? इंडस्ट्रियल यूज में तो 24 घंटे भी चल सकती है बिजली, या फिर पूरे दिन भर में से उससे भी ज्यादा टाइम के लिए चल सकती है. सही है कि नहीं? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते कि इंडस्ट्रियल यूज में जो बिजली होती है वो ज्यादा होती है डोमेस्टिक यूज से, तभी तो उसके लिए रेट भी ज्यादा होती है. ये तो हम सीधा सीधा हम कह सकते. तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा सेकंड पर. चलिए इसको देखिएगा आप.
distance of 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस्ड टू 280 किलोमीटर बाय सी. दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल. बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग की 900 किलोमीटर की दूरी की तुलना में समुद्र के मार्ग द्वारा दूरी में 280 किलोमीटर तक की कमी आएगी. क्या बोला जा रहा है? बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग की 900 किलोमीटर की दूरी की तुलना में समुद्र के मार्ग द्वारा दूरी में 280 किलोमीटर तक की कमी आएगी. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मतलब सिंपल सी एक चीज बोल रहा है कि अगर बॉम्बे से जाफरा जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की 900 किलोमीटर की दूरी की तुलना में समुद्र में अगर जाएंगे तो 280 किलोमीटर तक की कमी आएगी, 280 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा. अब 280 किलोमीटर कम जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है इससे ईंधन भी कम लगेगा, और ईंधन कम लगेगा तो 7.92 करोड़ रुपीज की बचत होगी. तो समुद्र में परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता होता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? सस्ते और महंगे की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो बस ये बात कर रहा है कि डिस्टेंस कम चल रहे हैं इस वजह से ईंधन बच रहा है. अरे भाई, डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ रही है इसलिए ईंधन बच रहा है, थोड़ा अक्कल तो लगाओ, थोड़ा सोचो तो सही पहले. समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है, ये बात कहां क्लियर हो रही? समुद्र से परिवहन सड़क पर जाने की तुलना में सस्ता है, ये बात कहां पर क्लियर हो रही है? अरे भैया, पैसा तो इसलिए बच रहा है क्योंकि जाना ही कम पड़ रहा है, डिस्टेंस ही कम कवर करनी पड़ रही है. सस्ता है या महंगा है ये थोड़ी क्लियर हो रहा है यहां से. आपकी यही परेशानी कि आप सोच नहीं पाते हो, आप सोच पाते ही नहीं हो. अरे भाई मूर्ख प्राणियों, सड़क से जाना पड़ रहा है 900 किलोमीटर और समुद्र से जाना पड़ रहा है 280 किलोमीटर कम. तो अब एक बात बताओ, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए हमारा ईंधन बच रहा है, इस वजह से हमारा पैसा बच रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता है. क्या पता अगर समुद्र से भी 900 किलोमीटर ही जाते, अगर क्या पता समुद्र से भी अगर 900 किलोमीटर की दूरी ही तय करें तो पैसा इससे ज्यादा खर्च हो जाए या इसके बराबर खर्च हो जाए, ये हम कैसे कह सकते हैं? बताओ आप भाई, ये तो नहीं कह सकते ना. बात समझ में आई कि नहीं आई? समुद्र से परिवहन सड़क की तुलना में सस्ता होता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा कोई डाटा कथन में कहां दिया है कि कौन सा मार्ग सस्ता है? सही है नहीं? नेक्स्ट अगला पढ़ो. ईंधन की बड़ी सीमा तक बचत करनी चाहिए, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना भाई, इसको तो आप नकार थोड़ी सकते हो. जो भी अपने प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स है, उन सबकी भैया बचत करनी चाहिए, ईंधन की बड़ी मात्रा में बचत करनी चाहिए, जितनी हो सके बचत करो, इसमें क्या, ये तो सच बात है भाई, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमेशा ही सही होंगे. तो आंसर हो गया सेकंड फोर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.
अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन संगीत को संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास करते रहने चाहिए। ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो प्राकृतिक उपहारों का पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ये खुद ही तो कह रहा है, खुद ही बोल रहा है कि एक प्राकृतिक उपहार है क्या अच्छी आवाज। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास करता रहना पड़ता है। इसका मतलब उसको पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट है, भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो फिर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आवाज ही अच्छी नहीं है तो अभ्यास करने का मतलब क्या है? और हम ना पॉजिटिव सोचेंगे ना नेगेटिव सोचेंगे, हमें भी क्या मतलब है भाई। तो आएगा आंसर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी कच्चे तेल की उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी हम जितना तेल क्या कर रहे हैं, हम जितने तेल की हमारी डिमांड है या हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, स्वदेशी तेल की कीमत जो है ना, कीमत नहीं उत्पादन जो है वो हमारी घरेलू मांग की मांग तेजी से बढ़ रही, हमारे घर में ज्यादा यूज हो रहा है। कहने का मतलब हम जितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्रूड ऑयल की मांग हमारे डोमेस्टिक डिमांड में बढ़ रही है। ठीक है, तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, तो कच्चा तेल बाहर से मंगाएं। फिर वो बोल रहा है कि कच्चा तेल फिर बाहर से मंगाओ। अगर घर में डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो भाई बाहर से मंगाओ। दूसरा बोल रहा है घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। आंखें खोल के और अच्छे से देख लो। मान लो हमारे देश में 100 किलो प्रोडक्शन हो रहा है, या 100 लीटर मान लेते हैं, 100 लीटर तेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिमांड 120 की है। अब क्या करें, अब 20 के लिए कहां से लेके आए? या तो हम घरेलू मांगों को कम कर दें, या तो हम 120 की जगह 100 ही यूज करें, और नहीं तो फिर हमें 20 लीटर बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो या तो ये या तो वो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। आइदर ओर का केस बन रहा है ना, केस किसका बन रहा है? आइदर ओर का बन रहा है ना भाई। सिंपल सी चीज है, या तो अपनी डिमांड कम कर लो, या तो 120 की जगह 100 ही यूज करो आप, और अगर नहीं तुम्हें तो पूरा 120 ही यूज करना है तो फिर दूसरों से लेना पड़ेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा। दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो बाहर से मंगाओ या फिर अपनी खुद की डिमांड को कम कर लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आई कि नहीं आई? तो केस किसका बनेगा? आइदर ओर का। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को देख रहा था, वो बहुत रॉन्ग कर रहे थे स्टार्टिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से करते। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, कि अगर आप कंसिस्टेंस हैं, कंसिस्टेंसी है अगर आप में, तो यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ठीक है, सक्सेस का सीक्रेट ही यही है कि आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। आप अगर रेगुलर किसी काम को कर रहे हो तो आप सफल जरूर होगे। कहने का मतलब यह है, पानी के लगातार टपकने से पत्थर खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पानी के लगातार अगर निरंतर टपकती रहेगी कोई चीज तो पत्थर खराब हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए एकल निष्ठा आवश्यक है। बिल्कुल सही है, सिंगल माइंड के साथ काम करना चालू कर देना चाहिए। यह बात भी सही, तो बहुत फॉलो, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35 थे। यानी टॉप के 10% परिवारों के पास 35% आय है। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इज 35। द परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउसहोल्ड इन इंडिया इज 35।
When an economy grow fast, when an economy grows fast, concentration of wealth in certain pockets of population take places. जब किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में ही धन की एकाग्रता हो जाती है. जब किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में ही धन की एकाग्रता हो जाती है. भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है. तो ये तो बात बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आय सबकी अलग अलग है ना, ऑब्वियस सी बात है. भारत में राष्ट्रीय आय समान का है, भारत की राष्ट्रीय आय तो अलग अलग है, ये तो सही है. पर वो आबादी के कुछ हिस्सों में ही धन की एकाग्रता हो जाती है, ये हम कैसे कह सकते भाई? अर्थव्यवस्था अगर तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता कैसे हो जाएगी? पूरा देश ही डेवलप होगा ना, पूरे देश के आधार पर निकलती अर्थव्यवस्था. तो भाई किसी भी देश की इकोनॉमी तो पूरे देश के हिसाब से निकलेगी ना. अपन ये थोड़ी बोलेंगे नहीं उत्तर भारत की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, साउथ भारत की कम है. इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, एक बार फिर से बोल रहा हूं. भारत के शीर्ष 10% परिवार, मान लो टोटल मिला के 100 परिवार रहते हैं भारत के अंदर, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना. भारत में 100 परिवार रहते हैं और पूरी इकोनॉमी को भी मैंने 100 मान लिया या राष्ट्रीय आय को भी 100 मान लिया. टोटल 100 परिवार हैं और 100 परिवारों के पास टोटल 100 रुपए हैं, ठीक है. लेकिन जो शुरू के 10% परिवार है ना, 10 परिवार हैं, उनके पास तो 35 रुपए है 100 में से, सही है कि जो 10 परिवार है उनके पास 35 रुपए है. इसका मतलब बाकी के 90 परिवारों के पास टोटल मिला के 65 रुपए है. यस और नो, फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार. अरे भाई टोटल 100 परिवार है और 100 रुपए है, 10 लोगों के पास 35 रुपए है, बाकी के 90 लोगों के पास 65 रुपए है. अब वो बोल रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होती है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है किसी भी देश की, तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता हो जाती है. ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं कि आबादी के कुछ हिस्सों में ही धन की एकाग्रता हो जाएगी? ये हम नहीं कह सकते, सही है. ये हम कैसे कह सकते हैं? किस बिहाफ पे बोल सकते हैं हम ये हम कैसे कह सकते हैं कि अब अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इसका मतलब कि वो 10% परिवार ही ग्रो करेंगे या फिर बाकी के 90% परिवार ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? ये हम कैसे कह सकते हैं कुछ हिस्सों में ही धन की एकाग्रता हो जाएगी? ये हम कैसे कह सकते? नेक्स्ट, अगली चीज, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है. हाँ तो असमान है ना, असमान तो उसने खुद ने दे रखी है कि 10% परिवारों के पास 35 रुपए है, 10 परिवारों के पास 35 रुपए है, बाकी के 90 परिवारों के पास 65 रुपए है. तो भैया राष्ट्रीय आय तो अलग अलग रूप से वितरित की जा रही है ना, इसका मतलब आई बात समझ में? अब क्यों नहीं आएगी? समझने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. प्रधानमंत्री ने सशक्त रूप से कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिक के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, ठीक है. अब गरीब किसान को, कृषि श्रमिक को छोड़कर अन्य किसी को विकास के परिणामों का लाभ प्राप्त हुआ है क्या? गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के परिणामों का लाभ प्राप्त हुआ है, ये हम कैसे कह सकते हैं? बाकियों के बारे में कहां बोला है भाई? सिर्फ किसानों के लिए बोला है और श्रमिकों के लिए बोला है, बाकियों के लिए तो बोला ही नहीं. समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं. हमें क्या पता कोई गंभीर प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? हम कैसे कह सकते हैं भाई? हम कैसे कह सकते हैं कि अतीत में कोई प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए? नेक्स्ट, आगे. सम्मेलन में केवल अच्छे गायक आमंत्रित किए जाते हैं, मीठी आवाज के बिना कोई एक अच्छा गायक नहीं है. सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही सम्मिलित आमंत्रित किए जाते हैं,
क्योंकि बिना मीठी आवाज, मतलब मीठी आवाज के बिना कोई भी एक अच्छा गायक नहीं है। निष्कर्ष, सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की आवाज मीठी है। सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की आवाज मीठी है। वे गायक जिनकी आवाज मीठी नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। वे गायक जिनकी आवाज मीठी नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। वे गायक जिनकी आवाज मीठी नहीं है उन्हें सम्मेलन में आयोजित नहीं किया जाता है। तो सच तो बोल रहा है भाई, उसने साफ साफ बोला है कि सिर्फ अच्छे गायक ही आमंत्रित किए जाते हैं, तो जिनकी आवाज अच्छी नहीं है तो उनको क्या करेंगे, फिर उनको नहीं बुलाएंगे। सीधी सी बात है, सम्मेलन में सभी आमंत्रित गायकों की आवाज मीठी है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी आमंत्रित किए जा रहे हैं उनकी आवाज मीठी है, क्योंकि यहाँ पे केवल बोल रहा है ना, यानी केवल का मतलब होता है 100%, जो 100% अच्छे गायक है उनको ही बुलाया है। इन दिनों कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इन दिनों कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। एक ही देश की आवश्यकता के लिए सभी का विकास और उत्पादन असंभव है। बिल्कुल सही बात है। एक देश की आवश्यकताओं के लिए सभी का विकास और उत्पादन, हर चीज का उत्पादन आप करो या सभी का विकास कर पाओ, ये असंभव है, पॉसिबल ही नहीं। जब कोई भी देश आत्मनिर्भर ही नहीं है तो इसका मतलब न तो संपूर्ण विकास होगा सबका, और न ही उत्पादन, हम हर चीज का उत्पादन कर सकते हैं। मान लो हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हमें जरूरत है, यूरेनियम की जरूरत है। अब हमारे देश में कहीं पर यूरेनियम की खानी ही नहीं है, यूरेनियम ही नहीं है, तो हम क्या जबरदस्ती बनाएंगे, क्या जबरदस्ती उत्पादन करेंगे यूरेनियम का? आम तौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। आम तौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप, अब जब आत्मनिर्भर नहीं है तो इसका मतलब आलसी है। जब कोई व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर ही नहीं है, अगर देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब वहां के लोग आलसी हैं। क्या इस बात से कह सकते हो कि आप नहीं कह सकते? हमें क्या पता भैया आलसी है या नहीं, तो ये गलत बात है। आंसर बनेगा फर्स्ट फुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाएं। क्या बोला गया? चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाएं। आप चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज सेवा से जुड़े हैं। चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाएं। चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाएं। चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज सेवा से जुड़े हैं। चेन्नई से दिल्ली जाने का कोई अन्य माध्यम नहीं है। चेन्नई से दिल्ली जाने का कोई अन्य माध्यम नहीं है। पहला तो उसने बोला है कि चेन्नई से दिल्ली शीघ्र पहुंचने के लिए हवाई जहाज द्वारा जाओ, और चेन्नई और दिल्ली हवाई जहाज से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े ही हैं, और अन्य कोई माध्यम है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, अब आप इन क्वेश्चंस को करिएगा, दो तीन क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है? पीछे आंसर की भी दे रखी है, ठीक है? मजा आया दोस्तों? मजा आया कि नहीं आया फटाफट से बता दो बेटा। देखो, अगर आंसर रॉन्ग हो रहे हैं तो इसका यही टिप है कि साई कुमार, आप ज्यादा से ज्यादा पहली बार तो प्रैक्टिस करना चालू करो। छोटी छोटी चीजों, देखो गलतियां तब होती है जब हम जल्दीबाजी कर लेते हैं या आलस कर लेते हैं या हमारी नॉलेज में कमी होती है। अब ये सारे क्वेश्चन रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, पर रियल लाइफ से हमें तब देखना है जब कथन में भी वो बात हो रही है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो कथन में बात दी गई है क्या उसका परिणाम उसके अकॉर्डिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, डेट सिट, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है? ठीक है जी, बिल्कुल। रेलवे में नया रेलवे वाले बच्चे देखिए तैयारी कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर बेटा, है ना? एसएससी कैटेगरी में जबरदस्त बैच चालू हो गया है और 5 तारीख से नया बैच आ रहा है। आज टीचर्स के सभी के बैचेस भी चालू हैं, तो आप लोग दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लो बैच को। सिंपल सी चीज है, सिंपल सोबर बिल्कुल शांति वाली चीज है, और आज आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अभी 4 बजे मेरी क्लास होने वाली है यूट्यूब पर, 4 बजे, अभी आधा घंटा है आपके पास में, 4 बजे यूट्यूब पर क्लास होने वाली है 4 PM पर। आप उस क्लास को अटेंड करिए, उसके अंदर मैं 30 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है? तो ब्लड रिलेशन के बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग आइए क्लास के अंदर, ज्वाइन करिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है जी? यूट्यूब पर होगी वो क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अपने सभी दोस्तों वगैरह को बता देना कि दीपू 10 कोड लगाकर आज वो बेनिफिट उठा सकते हैं। 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर उनको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 मंथ उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ आज के लिए। बाय।